आज तुम हमें मिल जाने दो, आज तुम हमें मिल जाने दो, कल तुम रहो या ना रहो, क्योंकि ये दुनिया जालिम है, क्योंकि ये दुनिया जालिम है, हमें एक दूसरे के रंग में रंग जाने दो, आज तुम हमें मिल जाने दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वीवी वॉक्स में। तो आज मैं आपको मैं ले जाने वाला हूँ पश्चिमी घाट के पहाड़ों पे स्थित एक शहर जो हिल स्टेशन भी माना जाता है, जिसका नाम है इगतपुरी। इगतपुरी पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय है उसकी सौंदर्यता के लिए, उसके झरनों के लिए और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तो चलिए बिना किसी रुकावट के मैं आपको ले चलता हूँ आगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि मैं इसके बाद कौन सी वीडियोस बनाऊं जिससे मुझे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमारी जर्नी मुंबई से शुरू की थी, जहाँ से बाय रोड इगतपुरी 121 किलोमीटर दूर है। जर्नी के बीच में हमने एक ब्रेक लिया रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में हमने बहुत सारा स्नैक्स खाया। वो रेस्टोरेंट का नाम है श्री दत्त स्नैक्स, जो 1981 से बना हुआ रेस्टोरेंट है। वहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स मिलते, जैसे कि इडली, वड़ा, पाव भाजी, वेज सैंडविच, कोथम्बीर वड़ी, कांदा भजिया एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे मिसल पाव, वड़ा पाव और फेमस कोथम्बीर वड़ी मंगाई थी। आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कोथम्बीर वड़ी ट्राई कीजिए। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे खाते हैं वड़ा पाव। तो जैसा कि देखा आपने, मेरा मुंह जल चुका है और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो आपके खुद खड़े होके खाना लेना पड़ेगा। तो हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारी जर्नी हमने बहुत इन्जॉय की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाय कार था, इसलिए आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन माउंटेन्स की वजह से पूरा ही लुक चेंज हो जाता था, प्लस एस्थेटिक क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स के वजह से पूरा ही लुक चेंज हो जाता था। तो हमने पूरी जर्नी बहुत इन्जॉय किया, आप भी इन्जॉय करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं इगतपुरी शहर में। इगतपुरी में खुद का रेलवे स्टेशन भी है, जिसको इगतपुरी रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। वहाँ पे ट्रेन का आना जाना लगा रहता है, तो आप इगतपुरी बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। तो वहाँ से, मतलब रेलवे स्टेशन से हमारा रिजॉर्ट 5 to 6 किलोमीटर्स अप्रॉक्स होगा। तो हम लोग ले चलते हैं आपको हमारे रिज़ॉर्ट, यानी कि माउंटेन शैडो रिज़ॉर्ट, जहाँ पे हमने 3 days का स्टे किया था और हमने बहुत इन्जॉय किया था। आगे देख सकते हैं आप, वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए अभी वीडियो इन्जॉय कीजिए। Thank you.
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं माउंटेन शैडो रिसॉर्ट, जहां पे हमने 3 डेज का स्टे लिया था। ये उसका एंट्रेंस है, आगे आगे मैं आपको सब दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप ये देखिए।